बर्फी दे दे। ले जी निकाल ले किन के है? हम बोले नहीं तो मेरा नाम सुमन है, समूह का नाम संतोषी मार जीवन जिला मैनपुरी है। समूह से जुड़े 2 साल हो गया। लॉकडाउन के पहले लड़का का पैर टूट गया, फिर मेरा काम जो दुकान बंद हो गई, फिर हमने समूह से लेकर रुपया तब तो दुकान ला ली। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो पैर टूट गया, मेरे ढंगा पैसा नहीं है तो बहुत परेशान होते। हमने गहनों बेच कर इलाज करा, मैंने किसी के गांव में पैसा नहीं मिले। जो हम समूह को पहले जुड़ जाते तो हमें गहनों नहीं बेच पाते तो हम इलाज पैसे मांग लेते, ले लेते, उस पैसे को धीरे धीरे हम भर देते। आज हम तो इतना पैसा ही नहीं कमाई ही नहीं जो हम गहना खरीद ले रहे। आप लोग दूसरी दीदी से हम बोलते आएंगे, मतलब समूह जुड़ जाओ, बहुत फायदा है। लॉकडाउन में बहुत दिक्कत होती, खाने पीने की बड़ी परेशानी होती। दुकान मेरे गाँव में कोई राशन का दुकान नहीं थी, फिर हम ढूंढ ढूंढ के ले आते थे। गांव बड़े परेशान होते, किसी घर कुछ नाज नहीं, गल्ला नहीं है, चावल नहीं, तो फिर क्या खाएंगे। ममता से बोला है कि आप समूह में जुड़ जाओ, पैसे ले लो, इसमें तुम अपना काम चला लो। समूह में बैठक में मैंने दीदी से बोला है कि मुझे रुपया चाहिए 10,000, मैं परचूनी की दुकान खोलना चाहती हूँ। गांव में परचूनी कोई दुकान नहीं है, राशन लेवे को बड़ी दिक्कत होती है। दुकान खोल लेंगे तो दुकान वाले मतलब हमाऊ सब पैसा चले, हमाऊ धंधा चले, और वैसे आप लोगों को सबको राशन मिले। अपने 10,000 रुपया लेकर हमने अपने घर में ही दुकान खोल लिया। 1 साल से हम चला रहे, 1 साल इसी में पैसा निकाल दे, सेम खर्चा चला रहे हैं। खर्चा ही निकल रहा और काम हम निकल रही पहले निकल रहे और का। अब फिर दुकान ऐसी चल गई तो ऐसी कहो दिन तो ऐसे ही बैठे रहो। पहले परचूनी की दुकान थी, फिर हमने आगे जो समोसा फिंगर और मतलब गेहूँ वगैरह खरीदने लगे। जैसे जैसे गांव वाले मांगते हैं वो दुकान में हम बेचना चाहते हैं। अब हम फिंगर बेचते हैं, समोसे बेचते हैं, गुजिया बेचते हैं, चीनी वगैरह जो मिल जाए सब बेचते हैं। बर्फी सामने अब यार तो हमें निकल देते ना अपना ही हंसी वाली बात थोड़ा है, अब थोड़ा में चिंता आएगी। ले बिट्टी ले, समूह के माध्यम से हमने एक छोटा सा कनेक्शन बना लिया है। जो गांव दीदी है मतलब जो ले आती है वो हम खरीद लेते हैं, गेहूँ गल्ला वो बाहर बेच आते हैं। इसमें दीदी लोगों को पैसा मिल जाता, कुछ हमें मिल जाता। जो हमने समूह में रुपया लिया था वो हम सारे कमा के उनको भर चुके हैं। समूह से और रुपया मांग रहे हैं, 50,000 रुपया मुझे और बढ़ाने हैं एक दुकान। दीदी ने बोला है एक समूह से दिलाएंगे तब तुम्हें 1% ब्याज लगेगा। आज ही उनका मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद, हमको पैसा मिला जो हम रोजगार कर रहे। हम तो सब समूह गुड़ के सब बहुत खुश हैं।